व्हाट्स अप गाइस, दिस इज टीके। कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होंगे। और स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक एक्शन कैमरे की, जो कि इजी वन की तरफ से आता है। तो आइए देखते हैं कैसा कैमरा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत लोग हमारे वीडियो देखते तो है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैमरा कैसे होने वाला है। तो ठीक है, कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है। ओके, यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा गया है इजी वन प्लस। ओके, तो इजी वन भी आता था, पर इन्होंने अभी ये नया मॉडल निकाला है जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इसके साथ ही साथ आपको माइक्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखने में है कैमरा। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और 100 फिट तक ये वाटर प्रूफ मिल जाता है, और 5K रिकॉर्डिंग और 4K रिकॉर्डिंग। ओके, 4K में आपको 60 FPS और 5K में आपको 30 FPS देखने को मिल जाता है। ओके, और कैमरा लेंस की बात की तो आपको 48 MP का आपको कैमरा लेंस इसमें देखने को मिल जाता है। ओके, और इसकी काफ़ी अच्छी बात है, जो ये टाइप सी के साथ आता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इसकी। और इसके साथ ही साथ आपको टाइप सी का माइक भी मिल जाता है। तो सारा इसके अंदर जो जो सारी चीज़ें वो भी हम देखेंगे। ओके, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमें एक कैरी केस इसके साथ देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आप सारा कैमरे के सब जो भी जितनी भी एसेसरी होती है इसको आप कैरी कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, और काफ़ी हार्ड केस है ये। तो आइए अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर चार्जिंग केबल मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप सी में आती है। ओके, कुछ इस तरीके से। तो केबल भी काफ़ी अच्छी है। फिर ये आपको कुछ स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप कैमरा कहीं पर माउंट कर सकते हो या फिर कहीं पर कैमरा होल्ड कर सकते हो। ओके, और ये आपको डबल साइड टेप देखने को मिल जाती है, जो कि आप माउंट लगाने के लिए आपको काम आएंगी। और ये बहुत सारे माउंट दिए गए इसमें, दो माउंट हो गए। और ये कैमरे का फ्रेम जिसके साथ आपका कैमरा अटैच होगा। ओके, तो ये आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और एक जो ये हैंडल माउंट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिससे आप हैंडल पे आपका कैमरा माउंट कर सकते हो। और ये एक माउंट मिल जाता है, जिससे आप अपने कैमरे को टिल्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये भी एक माउंट मिल जाता है आपको। ऐसे बहुत सारे माउंट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको ये बहुत सारे माउंट मिल जाते हैं इसके साथ में, अगर आप कहीं पर कैमरा लगाओगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ आपको एक क्लोथ भी मिल जाता है, जिससे आप कैमरा लेंस को साफ करोगे। ओके, और इधर आपको जो है वो यहाँ पर माइक देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का माइक। ओके, जो कि टाइप सी में माइक आता है। इन सारी चीज़ों का हम वन बाय वन टेस्ट करने वाले हैं। ओके, और ये जो है एक जिप टाई और एक तार दी गई है बारीक सी, जिसका यूज़ कभी फ्यूचर में हो सकता है, और एक्स्ट्रा आपको डबल साइड टेप भी दिया गया है इसमें। ओके, और ये जो यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, और ये इनका वेबसाइट वगैरह भी दिया गया है नीचे, और ये QR कोड स्कैन वगैरह करके। और ये रहा इसका यूज़र मैनुअल। ओके, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप किस तरीके से अपने कैमरे को यूज़ करोगे। ओके, और ये रहा यहाँ पर थैंक यू कार्ड। ओके,
और इसके अंदर जो है आपको दो बैटरीज देखने को मिल जाती है, एक जो ये कैमरे के अंदर आती है और ये एक एक्स्ट्रा बैटरीज मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। दो बैटरीज के हिसाब से ये काफ़ी लॉन्ग रेंज तक चल सकता है। ओके, और यहाँ पर हमारा देखने को मिल जाता है हमारा कैमरा कुछ इस तरीके से। तो ये वाटरप्रूफ केस में आता है, अगर आप ये केस लगा के यूज़ करोगे तो आप ये आपका कैमरा जो है वो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ हो जाता है। ओके, तो इसको ओपन करते हैं और इसका लुक चेकआउट करते हैं अभी। तो कुछ इस तरीके का कैमरा आता है सामने की तरफ, यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ओके, और ये रहा कैमरे का लेंस, और ये जो है यहाँ पर मेमोरी कार्ड डालने के लिए स्लॉट दिया गया है, और ये जो है यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है, और ये जो है HDMI आउटपुट। ओके, जिससे आप अपने कैमरा को टीवी के साथ या फिर अपने डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो है ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साइड की तरफ जो है वो दो बटन दिए गए हैं, और ऊपर की तरफ जो है ये भी एक मोड का बटन और ये ओके बटन दिया गया है। ओके, और इसकी खास बात ये टच के साथ आता है, मतलब ये पूरा जो सामने का डिस्प्ले है टच के साथ आता है। ओके, तो ठीक है गाइस, हमारा कैमरा अभी चार्ज हो चुका है तो इसको अभी ऑन करते हैं हम। तो ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर मोड का बटन दिख रहा है, इसको आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा, और ये जो है पूरा टच डिस्प्ले आता है, इसमें आप सारी सेटिंग्स कर सकते हो। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर रेजोल्यूशंस की बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाते हैं आपको, 5K 30 FPS, 4K 60 FPS, 4K 30 FPS, बहुत सारे रेजोल्यूशंस आपको इसमें देखने को मिल जाते थे, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाते हैं, जैसे पावर फ्रीक्वेंसी, जो हर्ट्स है हमारा डिस्प्ले हर्ट्स, वो भी सेट कर सकते हैं हम यहाँ से। ओके, साउंड की सेटिंग्स है, जैसे कि हमारा बूटअप साउंड वगैरह, शटर का साउंड, जैसे हम फोटो खींचते हैं उसका साउंड, वो सारी चीज़ें हो जाती है। ये माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो या फिर बिल्ट इन माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही ये वर्क करेगा अच्छे तरीके से। अगर आपका जो है बिल्ट इन माइक्रोफोन सिलेक्ट रहेगा और आपका एक्सटर्नल माइक यहाँ पर लगा रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर वो वर्क करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, और ये वाइट बैलेंस इफेक्ट, डिस्टॉर्शन कैलिब्रेशन, ड्राइविंग मोड, डेट सेटिंग्स, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में क्या होता है, अगर आपको कैमरा उल्टा उल्टा करके जो रिकॉर्डिंग करनी रहेगी कुछ इस तरीके से, तो आप उल्टा करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, इसीलिए अप एंड डाउन ऑप्शन दिया गया है, और ये नॉर्मल बहुत सारी सेटिंग्स है, स्क्रीन स्क्रीन सेवर, ऑटो, पावर ऑफ, ये सारी सेटिंग्स दी गई है। ओके, तो यहाँ पर एक और सेटिंग्स है, जो कि यहाँ पर EIS की सेटिंग है, मतलब ये EIS मतलब बहुत स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर। ये आपको मैं ऑन करके दिखाऊंगा, जैसे मैं हम इसका टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आ जाते हैं इसके अंदर, लूप रिकॉर्डिंग वगैरह, टाइम लैप्स इंटरवल वगैरह, ये भी स्लो मोशन मूवी, फास्ट मोशन मूवी, तो ये भी आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये ऑटो लो लाइट, ये भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे हम लो लाइट में वगैरह जाएंगे तो ये अपने आप जो है वो ब्राइटनेस को एडजस्ट करने वाला है। ओके, तो यही थे छोटे मोटे सेटिंग्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। और इसके अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन मिल जाता है हमें, जैसे हम मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपको इसके अंदर आई स्मार्ट करके, आई स्मार्ट DV2 करके एक एप्लीकेशन मिल जाता है, जिसको हम ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद आपको जो है ये नीचे का बटन है, इसको एक बार दबाना पड़ेगा, इससे जो है हमारा कैमरा का वाईफाई ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ऑन हो जाता है, हमें यहाँ पर अपने वाईफाई मोबाइल के अंदर वाईफाई को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको कैमरा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हो आप, हमारा जो है लाइव फुटेज कैप्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, और यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कैमरा के। ओके, और ये जो है यहाँ पर हमें फोटोज़ वगैरह जो हमारे मोबाइल के, मतलब इस कैमरे एक्शन कैमरा के अंदर जो फोटोज़ वगैरह लिए रहेगा, वो यहाँ हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, और देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा है जो ये एप्लीकेशन भी है, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग एप्लीकेशन नहीं है। ओके, और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है ऐप के अंदर भी,
जैसे कि हम यहाँ पर हम सारे रेजोल्यूशंस वगैरह सारी सेटिंग्स जो है हम कैमरा की यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती। ठीक है, तो चलिए अभी ये सारी चीज़ें हो गई, अभी हम इसको टेस्ट करके देखते। तो अभी जो है मैंने कैमरा को अटैच कर लिया है, जितने भी माउंट्स आते हैं उसके साथ मैंने गिम्बल के साथ इसको अटैच कर लिया है। ओके, और आपको एक और चीज़ दिखानी थी, अगर ये जो डिस्प्ले है इसके इसके अंदर डबल डिस्प्ले आता है। ओके, तो पहले वाला जो है वो ये है और दूसरा वाला जो है वो ये है। अगर आप ये नीचे का बटन अगर होल्ड करके रखोगे तो डिस्प्ले स्विच हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सामने की तरफ भी हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो आपको मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से सामने का डिस्प्ले ऑन हो जाता है। इससे क्या है, अगर हम ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, हम अपने आप को देख सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी ब्लॉगिंग हो जाती है। ओके ठीक है, तो अभी हवा भी काफ़ी चल रही है, तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या इसका क्लैरिटी वगैरह आती है और कैसा ये रिकॉर्डिंग करता है। तो अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है 180p 60fps पर हो रही है। ओके, और साथ ही साथ जो है हमारे पीछे की तरफ से जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सनलाइट आ रही है। जैसे मैं यहाँ पर मूव करूँगा और जैसे मैं चलते जा रहा हूँ तो आप स्टेबिलाइजेशन चेक कर सकते हो। स्टेबिलाइजेशन जो है वो इसका ऑफ है, तो अभी मैं टर्न करूँगा तो आप पीछे की तरफ जो है वो सूरज है, तो आप देखना अभी ये किस तरीके से एडजस्ट करता है। तो जैसे मैंने कैमरा मूव किया तो थोड़ा सा जो है ये दिक्कत देता है अगर पीछे की तरफ सूरज रहेगा, और अगर आपके सामने की तरफ जो अगर उजाला वगैरह रहता है तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कैप्चर करता है। अभी मैं क्या करूँगा कि स्टेबलाइजेशन ऑन करूँगा और आपको चल के दिखाऊँगा कि किस तरीके से स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब जो ये रिकॉर्डिंग है ये विदाउट स्टेबलाइजेशन जो है मैं शूट कर रहा हूँ और चलते जा रहा हूँ। तो अभी मैं जो ये नेक्स्ट वीडियो करूँगा उसमें मैं स्टेबलाइजेशन ऑन कर दूँगा और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। तो ठीक है गाइस, अभी मैंने जो है वो स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है और चलते जा रहा हूँ, काफ़ी तेज़ी से चल रहा हूँ, तो आप डिफरेंस चेकआउट कर सकते हो कि कितना ये स्टेबलाइजेशन मेंटेन करता है। ओके, तो अब जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये 180p 120fps पर हो रही है। ओके, तो मैं साइड बाय साइड वीडियो भी डाल दूंगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप जज कर पाओगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है हमारा 4K पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो ठीक है गाइस, अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 30fps पर हो रही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके का जो है वो डिफरेंस आता है। और जो मैंने 4K 60fps ट्राई किया था पर हमारा कार्ड जो है वो SD कार्ड जो है वो स्लो बता रहा है कैमरे के अंदर, तो आपको अच्छे से अच्छा स्पीड वाला SD कार्ड लेना पड़ेगा वरना जो ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो हमारा वो 4K 60fps जो है वो हम इसके अंदर नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं अभी 5K 30fps पर शिफ्ट करते हैं। ओके, तो ठीक है गाइस, अभी जो है मैंने 5K 30fps पर शिफ्ट किया तो आप डिफरेंस देख सकते हो। ओके, तो मैं थोड़ा सा कैमरा को मूव वगैरह करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से दिखा देगा। ओके, और ये जो हमारी जो 5K 30fps की रिकॉर्डिंग हो रही है ये जो है कैमरा के अंदर बिल्ट इन माइक है उसके अंदर हो रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे नॉइस रिडक्शन का जो एक मोड आता है वो ऑन करते हैं। तो 3 2, तो ठीक है गाइस, अभी जो है मैंने विंड रिडक्शन ऑन कर दिया है और जो हमारे सामने की तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से विंड आ रही है। ओके, तो आप अभी डिफरेंस देख सकते हो जब विंड रिडक्शन ऑन रहता है तो कैसा आवाज़ आता है और विंड रिडक्शन ऑफ रहता है तो कैसा आवाज़ आता है। ओके, तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, तो हमारा जो माइक्रोफोन आया है उसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो ठीक है गाइस, अभी जो है मैंने हमारा जो एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर दिया है और सामने की तरफ से विंड भी आ रही है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस आपको पता ही चल गया होगा कि माइक कनेक्ट करने के बाद कितना डिफरेंस आता है। ओके, तो हम ज़्यादा माइक के पास से अगर बात करते तो ऑडियो जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अगर हम दूर से बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑडियो आता है। ये जो माइक है ये कैमरे के साथ ही आया है, अगर आपको कोई अच्छा माइक यूज़ करना है तो आप कर इसके साइड टाइप सी का माइक यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरीके का जो है वो माइक का डिफरेंस आता है। और ये जो है इसका लो लाइट परफॉर्मेंस है। ओके, तो लो लाइट में थोड़ा सा कुछ इस तरीके से वर्क करता है, मतलब आपको इसके वीडियो में जो है वो छोटे छोटे ग्रेन्स दिखेंगे। ओके, तो जो जितने भी एक्शन कैमरा रहते हैं उनका जो लो लाइट परफॉर्मेंस रहता है वो काफ़ी कम रहता है। ओके, तो जितना इसका बजट है उसके हिसाब से ये अच्छा है। तो ठीक है गाइस, यही था इजी वन की तरफ से आने वाला इजी वन प्लस एक्शन कैमरा, तो कुछ इस तरीके का था। सारी परफॉर्मेंस आपने देख ली, माइक वगैरह सारी चीज़ें आपने देख ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे जितने भी नए लोग आते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके,
मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।